This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shahin Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School. Hello everybody and welcome to gohash Gulbarga. In Banquets ke bilkul kareeb mein quarantine facility hone par residents ne kiya protest. सभी लोगों ने आपत्ति जताई कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से वो बीमारी एरिया में फैल सकती है. लोगों को डर है कि यहाँ पर आए हुए पेशेंट्स की वजह से बीमारी एरिया में फैल सकती है. इसको चलते सीनियर लीडर अजीम शनी फरोश वहाँ पहुँचे और उन्हें लोगों को इत्मीनान दिलाया कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सैंपल्स लिए जा रहे हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के, उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा. लेकिन वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है कि इस बात पर क्लैरिटी दी जाए क्या वहाँ पर क्वारंटीन फैसिलिटी होने वाली है या नहीं, ताकि लोकल रेसिडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और क्वारंटीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो. आइए देखते हैं द कंप्लीट स्टोरी. मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन शेरनी फरोश आज यहाँ पे पीएनजेड के पीछे बिंका ढाल के बाजू जो गर्ल्स हॉस्टल है उस गर्ल्स हॉस्टल में जो पेशेंट को लेकर के जो है ना यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ की अवाम ने इसके बारे में ऑब्जेक्शन कर रही है कि यहाँ पे जो है ना पेशेंट को ले तो हमको अफेक्ट होगा. मैंने बताया कि यहाँ पे पेशेंट नहीं है यहाँ पे जो है ना जिसके बाजू के जो है ना कॉन्टेक्ट में थे आजू बाजू घरों के, वो लोगों को लेकर के रखे हैं. इंशाल्लाह अगर यहाँ पे जो है ना वो लोगों के सैंपल लेके उनका रिजल्ट आने के बाद उनको वापस भेजेंगे. हम डीएचओ साहब से बात करेंगे, डीएचओ साहब डीसी साहब को बोलते हैं और मैडम कनीष फातिमा से भी बात करेंगे हम एमएलए मैडम से. हमारे इंशाल्लाह पब्लिक का डिमांड है, इंशाल्लाह ये मसले को जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे. मगर मैडम एमएलए मैडम भी कांटेक्ट में है, दो तीन बार मुझे भी फोन किए थे उन्होंने, तो फिर भी जो है ना यहाँ की अवाम का जो ऑब्जेक्शन है तो ये उनको नहीं मालूम था, तो यहाँ की अवाम के ऑब्जेक्शन के बारे में एक बार उनको सुनाएंगे. एक बार सुनाने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट डीएचओ क्या एक्शन लेते हैं, डीसी साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुंजान आबादी है, एक की वजह से दूसरों को अफेक्ट नहीं होना. लेकिन हम भी जो है ना इतना गरीब गरीब ने डिस्टेंस बना के रखना है, घरों में भी डिस्टेंस बना के रखना है. पुलिस महकमा जो है ना हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी जो है ना इतनी जो है ना गैदरिंग होना नहीं चाहिए. इस वजह से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घरों में जाइए. इंशाल्लाह सुबह में जो है ना 10 बजे मीटिंग खत्म होती है डीएचओ साहब से, हम बात करके जो है ना इस मसले को हल करेंगे. खुदा हाफिज़. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, MKS Layout, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School.